हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम के बज रहे हैं, देखिए 5:30 बज रहे हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो सारे काम हो गए हैं मेरे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी 5:30 बज रहा है तो थोड़ा सा छत में घूम के आ जाती हूँ, क्योंकि अभी का मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब ऊपर चलिए देखती हूँ कैसा मौसम है आज का। तो चलिए छत में थोड़ा सा टहल के आ जाती हूँ, उसके बाद नीचे आ जाऊँगी। और काव्यांश भी इधर सो रहा है, तो अभी चलिए छत में चलती हूँ और आप सभी को भी ले चलती हूँ। चलिए चलते हैं छत में, थोड़ा सा टहलूँगी उसके बाद आएंगे। और आज का मौसम, मतलब शाम का समय है पर अच्छा लग रहा है मौसम। अभी 2-3 दिन पहले ना बहुत तेज़ बारिश हुआ था, जब मैं सोफ़ा लेने, मतलब हम लोग दीदी के लिए फर्नीचर दुकान में गए हुए थे सोफ़ा लेने के लिए, तब उस दिन बहुत तेज़ और सीढ़ी चढ़ के आई, थोड़ा सा हाँप रही हूँ। तो हम लोग ना, मैं बोल रही थी कि दीदी के लिए जब हम लोग सोफ़ा देखने गए थे ना, मतलब कौन सा दिन था, शायद शनिवार था, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो उस दिन गए थे तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुआ और बहुत अचानक से बारिश हुआ। ऐसा मौसम मतलब लग नहीं रहा था कि बारिश का होगा, पर अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुआ और उसके बाद से ना आज अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा लगने लगा है। और आज तो मैं, पता है, मैं गर्म कपड़े जितने थे ना सारे रख दी थी मैं, पर अभी इतना अभी ना बीने बारिश हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया, तो फिर से निकाल ली हूँ शॉल और कम्बल निकाल ली हूँ ओढ़ने के लिए। पतला जो तो पतला वाला कम्बल था ना, पर अभी थोड़ा सा ठंड बढ़ गया तो फिर से मेरे को मोटा वाला कम्बल निकालना पड़ गया। और आज का मौसम देखिए, इधर अभी भी मतलब हल्का हल्का हवा चल रहा है, मतलब ठंडा ठंडा ही मौसम है अभी भी। और देखिए सूरज डूब रहा है उधर, वो देखिए उधर सूरज डूब रहा है और डूबते हुए बहुत ज़्यादा शाम को रोशनी दिखता है सूरज का, तो वही देखिए, वो देखिए सूरज दिख रहा होगा तो धूप, मतलब सूरज की रोशनी इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना, इसकी वजह से उधर शायद दिख नहीं रहा है। क्या पता आपको दिख रहा होगा, मेरे को तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रहा है। और इधर देखिए पेड़ में चिड़िया भी बहुत अच्छा चीची चीची करते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है छत में ऐसे आने से। और बहुत दिन बाद, मतलब अभी मेरे को लगता है 1 सप्ताह बाद आ रही हूँ छत में मैं, ऐसे बीच बीच में कभी कभी मिलता है टाइम तो आ जाती हूँ, पर ज़्यादा उतना आना होता नहीं है। तो थोड़ा सा टहल लेती हूँ, आज जल्दी सभी काम कर भी ली थी तो मैं सोची कि चलो छत में आ जाती हूँ, थोड़ा सा टहल लेती हूँ और उसके बाद नीचे जाऊँगी। काव्यांश भी सो रहा है और परी भी ट्यूशन गई हुई है। तो और देखिए मुनगा, आप सभी को ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मुनगा खाने का दिन आ गया है, मतलब मौसमी मुनगा। मैं पहले आई थी ना तो दिखाई थी, उस समय फूल लगा था मुनगा में, पर अभी फल लग गया है और मुनगा सीजन है मुनगा खाने का। और ये अभी वाला जो मुनगा है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इधर, और लीची भी दिखाई थी, देखिए लीची में भी थोड़े फल आ गए हैं, तो आप सभी को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। चलिए, और ये देखिए इधर मुनगा फला हुआ है, ये जो दिखाती हूँ, ये बहुत सारे मुनगा फले हुए हैं ये देखिए। और इधर लीची में भी छोटे छोटे फल, जब मैं आई थी उस समय फूल था और अभी फल लग गए हैं, और मुनगा में भी फल लग गया है। और इधर देखिए बगल में आंटी लोग का बाड़ी है इधर, और आज का मौसम देखिए इधर, आप सभी को दिखा रही हूँ। और ये देखिए सूरज डूब रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, अभी दिख रहा है मुझे अच्छे से, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूरज डूबता हुआ।
और आज का मौसम अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, मतलब ठीक है मौसम आज का। अभी मतलब टहल रही हूँ तो पापा का कॉल आ गया था तो वही उठा ली थी, और सूरज भी डूब गया देखिए इधर टहलते हुए, थोड़ा सा टहलते टहलते सूरज भी डूब गया, डूबता है फिर रात हो जाता अंधेरा, मतलब बहुत जल्दी सूरज डूबा और अंधेरा हो गया, ऐसा रहता है। और अभी देखिए इधर चिड़िया भी उड़ रहे हैं, तो पापा फ़ोन किए थे, पापा अपने वाले नंबर से, मम्मी बात कर रही थी, बोल रही थी काव्यांश को छोड़ देना क्योंकि वो ना उस मम्मी के यहाँ बहुत जाने के लिए हो रहा है तो उसको छोड़ देना, ऐसा करके फ़ोन लगाए थे। तो थोड़ा सा टहल लेती हूँ उसके बाद नीचे चलूँगी, सोच रही हूँ ठेकुआ बनाने के लिए, आटा वाला, आटा और सूजी वाला मिठाई। मैं बोली भी थी आप सभी को ना कि मैं अभी मिठाई बनाने वाली हूँ तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो अभी बनाऊंगी सोच रही हूँ। नीचे कुछ थोड़े बहुत तैयारी करके आ गई हूँ, मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह ना काट के आ गई हूँ नीचे, और मैं सोची कि थोड़ा सा टहल लेती हूँ उसके बाद नीचे जाऊँगी तो बनाऊँगी, तो और आटा वगैरह भी अच्छे से चाल के आ गई हूँ तो अभी चलती हूँ कुछ टाइम में, बस थोड़ा सा और टहल लेती हूँ ऐसे, फिर चलूँगी फिर बनाऊँगी मिठाई और आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अभी टहल लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मिलती हूँ कुछ टाइम में। तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मैं टहल लेती हूँ, तो अभी चलती हूँ, काफ़ी टाइम तक यहाँ पर टहल रही थी और काफ़ी टाइम हो गया, सूरज भी डूब गया है तो सोच रही हूँ अब चलती हूँ घर, तो चलिए और इसके बाद मिठाई बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, और काव्यांश भी देखती हूँ उठ गया है या नहीं उठा है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ और इधर काव्यांश अभी भी सो ही रहा है, छोटे छोटे, और काव्यांश को आज मार पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है, अभी जब से छुट्टी हुआ है तब से ना काव्यांश का बहुत ज़्यादा बदमाशी चल रहा है, और काव्यांश के पिताश्री भी आ गए, मतलब उसके पापा भी आ गए हैं, और इधर पानी भी अच्छा हुई है, पर ये ना नल ढीला है इसकी वजह से ना इसमें पानी गिरता रहता है, जो डायरेक्ट पीने वाला पानी आता है ना वो वाला, तो वो ना ढीला है, मतलब नल ढीला हो गया है इसकी वजह से ना डायरेक्ट पानी आता है, फिर जब बंद करते हैं तो ही बंद हो पाता है। और इधर मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं तैयारी करके गई हुई थी, तो बस मैंने थोड़ा सा इधर देखिए ड्राई फ्रूट वगैरह काट ली हूँ मैं, काजू बादाम और किशमिश, और बाकी इधर ये सामान रख के गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहल के आऊँगी उसके बाद बनाऊँगी, और इधर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और अभी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, जल्दी बन जाएगा, और बस अभी शुरू करती हूँ, तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं अभी जो ड्राई फ्रूट मैंने काटा है ना वो घी में अच्छे से तल लूँगी, तो देखिए मैंने ये बर्तन में घी डाल दी हूँ, ये वाला घी डाल दी हूँ पतंजलि वाला घी, और ड्राई फ्रूट को पहले तल लूँगी, और उसके बाद जो आटा मैंने इधर छान के रखा हुआ है और सूजी, तो जो भी डालना है वो अभी मैं तलने के बाद अच्छे से गूँथूँगी, तो अभी मैं तल लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ कुछ टाइम में, तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा। तो अभी मैं आटा गूँथना स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने टिफ़िन में एक टिफ़िन ले ली हूँ आटा, और आधा ले ली हूँ जितना, मतलब डेढ़ टिफ़िन में आटा ले ली हूँ, और उसके बाद ले लूँगी सूजी, तो देखिए एक पैकेट मैंने सूजी लिया है, आधा किलो वाला सूजी है, तो उसे अच्छे से मैं छान लूँगी पहले और उसके बाद इसमें डालूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं छान रही हूँ, और डायरेक्ट मैंने मतलब जो आटा मैंने रखा था ना इसमें कढ़ाई में उसी में डाल दी हूँ, छान ली हूँ, तो देखिए आधा जितना मतलब आधा किलो था सूजी उसे मैं अच्छे से छान ली हूँ डायरेक्ट आटे में ही, तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद इसमें डाल दी हूँ सौंफ, तो देखिए थोड़ा सा मैंने इस तरीके से मसल के मैं सौंफ ले लूँगी और उसे भी डाल ली हूँ, और उसके बाद डाल दूँगी इसमें जो नारियल का चूरा है उसे डाल दूँगी, तो एक पैकेट मैंने नारियल का चूरा लिया हुआ है और उसे पूरा ही डाल दूँगी, एक पैकेट मैंने पूरा डाल दिया क्योंकि आटा और सूजी वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने लिया हुआ है, तो इसी वजह से मैंने एक पैकेट डाल दिया है।
और इसके बाद डाल दूंगी इलायची जो अभी हम लोग छील रहे हैं काव्यांश के साथ। काव्यांश भी यहाँ पे बैठा हुआ है साथ में मेरे साथ बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर काव्यांश और मैं इलायची छील लेंगे, और इलायची भी इस तरीके से मतलब बीज ले लेना है, और उसके बाद कूट ली हूँ मैं और उसे भी डाल दूंगी। तो दो चार करके मैंने इलायची ले लिया था, उसे अच्छे से कूट ली हूँ और डाल दी हूँ। और उसके बाद मोयन के लिए देखिए यहाँ पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ और तेल का, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बना रही हूँ ना, इसकी वजह से मैंने दोनों ही लिया है। तो आप अपने हिसाब से घी का या तेल का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक या दोनों भी कर सकते हैं। तो मैं आज दोनों ही घी और तेल का दोनों का यूज़ कर रही हूँ मोयन के लिए। तो देखिए अच्छे से इसे बहुत अच्छे से मोयन मतलब मिक्स करना है, उसके बाद डाल दूँगी शक्कर। तो जितना मीठा हम लोग को पसंद है उतना मैं डाल दी हूँ शक्कर, और उसके बाद डाल दी हूँ इसमें ड्राई फ्रूट जो मैंने तल के रखा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं जो पानी है उसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से टाइट मतलब आटा गूँथ लेना है, इसे मतलब गीला नहीं करना है क्योंकि ठेकवा के लिए ना टाइट आटा की ज़रूरत पड़ती है। गाइस मैंने ना देखिए इधर आटा गूँथ लिया है, पहले से ही मैं गूँथ ली हूँ और आधा बना भी ली हूँ इधर देखिए। तो देखिए इस तरीके से मैं लोई बना रही हूँ, पहले जो भी मतलब इसमें डालना था आटा जो गूँथी हूँ मैं इसमें वो मैं डाल ली हूँ और अच्छे से गूँथ ली हूँ पहले से ही। और उसके बाद इस तरीके से लोई बना रही हूँ, और उसके बाद इस तरीके से इसमें आपको दिखाती हूँ ये तो ये टोकरी है, इस टोकरी में ऐसे दबा रही हूँ मतलब ये टोकरी और इसमें ऐसे दबा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन जा रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन बन रहा है, और इधर में मैंने बना के रखा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बन जा रहा है बहुत सुंदर। तो यहाँ पर मैं बना बना के रख रही हूँ, और इधर मेरे हस्बैंड इधर तल रहे हैं क्योंकि मैं इधर बनाते जा रही हूँ और उसके बाद वो तलते जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब बनाऊँगी उसके बाद तलूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा इसकी वजह से। तो अभी दिखाती हूँ आप सभी को, चलिए वो किस तरीके से तल रहे हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर तल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बन रहा है ठेकुआ, और ये थोड़ा बहुत बना भी लिए हैं, दो तीन चार बन गया है ठेकुआ। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ ये ठेकुआ, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी खाए नहीं हम लोग, तो खा के भी बताएंगे, पर अभी बना रहे चार ही बने हैं और बाकी इधर बन रहे हैं, और एक चढ़ाए हम लोग जब भी बनाते इस तरीके से तो गैस के पास मतलब चढ़ाते हैं ऐसा है हम लोग मतलब हरदम ही। और यहाँ पर बन रहा है और ये बन गया है, और इधर मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए इतना बच गया, और आधा मैं ना आधा मैं मतलब अभी मैं थोड़ा बहुत ठेकुआ इतना बना लूँगी, आधा ठेकुआ बनाऊँगी और उसके बाद बिस्किट बनाऊँगी इसी का। तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी मैं ठेकुआ बना लेती हूँ और उसके बाद बिस्किट बनाऊँगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उधर बर्तन वगैरह मेरे को धोना है, और बच्चे लोग ना कुछ कुछ खाए थे तरबूज वगैरह पपीता वगैरह, तो उसका छिलका उधर रखा हुआ है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और बाकी इधर मैं बना लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह जो भी है वो सब धोऊंगी, और इधर सब्जी भी रखा हुआ है तो अभी हम लोग मतलब बना लेते हैं। तो अभी मैं छोटा छोटा लोई बना लूँगी ठेकुए के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटा छोटा लोई बना रही हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बांस का टोकरी है उसमें मैं डिज़ाइन दे दे रही हूँ। तो आप ना जब भी बनाएंगे ना तो इस तरीके से आप चम्मच से या चाकू से या आपके पास जो भी सांचा वगैरह उससे भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ बांस वाला जो टोकरी है उससे मैं डिज़ाइन दी हूँ। और आपको ना आटा टाइट ही गूँथना है, मतलब गीला नहीं होना चाहिए, गीला हो जाएगा ना तो अच्छे से ठेकुआ बन नहीं पाएगा टाइट। तो यहाँ पर देखिए आटा थोड़ा सा टाइट गूँथिएगा जब भी बनाइएगा आप तो। और यहाँ पर उसके बाद मैं बना लूँगी मतलब बिस्किट। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी जैसा बेल लिया, और उसके बाद साइड साइड का काट ली हूँ, और उसके बाद बिस्किट का आकार दे दी हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने बीच में इस तरीके से काट लिया है, और मैं चाकू से ही इसमें डिज़ाइन डाल दूँगी। तो मैंने दो आकार दिया हुआ है, एक ठेकुए का और एक बिस्किट का। तो दो तरीके से मैं बना रही हूँ, तो आप भी बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, या और भी आकार आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बना लूँगी, और उसके बाद इसे अच्छे से तल लूँगी। तो मैंने सारे जितने भी थे ठेकुआ, ये देखिए इस ठेकुआ कह सकते हैं या इसको मतलब और क्या बोलेंगे नहीं पता मेरे को, ठेकुआ है और बिस्किट। तो ये देखिए बिस्किट भी मैं बना ली हूँ, और इधर ठेकुआ भी बना ली हूँ, तो सारे बना ली हूँ। और इधर देखिए आधा तल भी लिए हैं, और इधर तेल। तो इतने सारे को अभी मैं तलती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तल रहे थे,
पर काफ़ी रात हो गया है ना, खाने मतलब खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, तो वो इधर बैठ के इधर सब्जी काट रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी मैं इधर देखिए यहाँ पर बना रही थी, इधर साफ भी कर ली हूँ मैं, और अभी जितने यहाँ पर मैं बनाई हुई हूँ ठेकुआ और बिस्किट उसे तल लूँगी तेल में एक एक करके, तो दिखाती हूँ आप सभी को, एक एक करके इस तरीके से तल लूँगी। तो ये देखिए, तो धीमे आँच में इसे पकाना है, बहुत धीमे आँच में, इतना फ्लेम होना चाहिए, मतलब धीमे आँच में पकाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आँच करेंगे ना तो ये जल जाएगा और अंदर का पक नहीं पाएगा, इसकी वजह से धीमे आँच में पकाना है ठेकुआ को। तो अभी मैं पका लेती हूँ, तो अभी मैं बना लेती हूँ जितने भी हैं इधर ठेकुआ वगैरह बिस्किट, तो अभी मैं बना लेती हूँ और इसके बाद मिलूँगी, और इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, बनाने के बाद ज़रूर मिलूँगी और खा के बताऊँगी और आप सभी को भी खिलाऊँगी ठेकुआ। तो अभी मैं बना लूँगी उसके बाद मिलूँगी, तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि मैं बिस्किट देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं बना लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ कुछ टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ठेकुआ जितना बनाई हूँ ना वो सभी को तल लूँगी, बहुत ज़्यादा भी मतलब इसको मतलब लाल नहीं करना है, हल्का इस तरीके से लाल होता है तो आप उतार लीजिएगा जब भी बनाएंगे तो। और यहाँ पर मैं जितने भी ठेकुआ बनाई हूँ वो सभी को अच्छे से तल लेती हूँ। तो फाइनली मिठाई बन गया है, इधर देखिए ये ठेकुआ बन गया है, ये बिस्किट बन गया है, और इधर कटहल की सब्जी भी बन रही है, ये देखिए दिखा, मिठाई के साथ में कटहल की सब्जी भी बन रही है बगल में, क्योंकि रात भी हो गया ना तो खाने का टाइम हो गया। ये देखिए कटहल की सब्जी, और कटहल की रेसिपी आप सभी को मतलब देखनी होगी ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप सभी को ना प्रॉपर कटहल की सब्जी कैसे बनाती हूँ मैं वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आज तो बन गया है पर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर कटहल की सब्जी शेयर करूँगी प्रॉपर, मतलब कैसे मैं बनाती हूँ। तो अभी जो मिठाई बनाई हूँ ना मैं वो टेस्ट कराती हूँ बच्चों को और मेरे हस्बैंड को कि कैसा बना है, तो देखिए टेस्ट करिए कैसा बना है, तो खाइए ना आप भी एक बार। और पहले से ही मैं जब बना रही थी उसी समय खा रहे थे, पर अभी फिर से दे रही हूँ मैं इनको, क्योंकि परी तो मत पूछे, मतलब फर्स्ट बार ही मतलब जैसे उतारी हो वैसे ही परी खा ली है, और फिर भी मैं बोली कि चलो मैं बना रही हूँ तो अपने से भी टेस्ट करा देती हूँ बच्चों को और इनको, पर ये लोग बोल रहे हैं कि खा लिए हैं, लो और काव्यांश भी छोटा छोटा टुकड़ा ये है ब्रोंज, तो काव्यांश भी ना बोले लिया है और इधर ये लोग बोल के लिए हैं। चलिए, और कल आज तो वैसे नहीं खा रहे क्योंकि आज पहले से ही बहुत खा चुके हैं, और कल इस पर पड़ेंगे, कल देखिएगा मतलब ये जो बर्तन देख रहे होंगे ना इसमें पूरा फुल है और ये आधा हो जाएगा कल भर में ही, आज बहुत ज़्यादा बना है ना इसलिए बना है तो खा नहीं रहे हैं, पर कल खाएंगे और वैसे भी आज खा लिए हैं। तो आप सभी के लिए भी बिस्किट ये बहुत अच्छा, मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आप सभी को, ये बहुत ही अच्छा बना है, ये काफ़ी खस्ता बना है, ये देखिए, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा खस्ता बना है, मतलब जो ठेकुआ होता है ना वो कड़ा होता है ना, तो सेम ऐसे बहुत ही अच्छा बना है। मुझे लग रहा था मैं बहुत दिन में बनाई ना तो मेरे को लग रहा था ना कि उतना अच्छे से बन नहीं पाएगा, और क्योंकि लॉकडाउन था ना उस समय मैं 2-3 बार बनाई थी और उसके बाद से ना मतलब बनाई नहीं थी मैं, फिर उसके बाद से आज बनाई हूँ, पर काफ़ी अच्छा बन गया है। शुरू में मैं ना कुछ कुछ भूल भी गई पर बहुत अच्छा बन गया बिस्किट ये ठेकुआ, और बहुत ही अच्छा बना ये देखिए, और आप लोग भी खा लीजिए ठेकुआ और ये बिस्किट, तो बिस्किट भी काफ़ी अच्छा बना है ये देखिए, ये तो बिस्किट अच्छा बना है। और कल काव्यांश अपनी नानी के यहाँ जाएगा,
तो थोड़ा बहुत नानी को भी, नानी के लिए भिजवा दूँगी, नाना नानी के लिए। एक बार ये बिस्किट है वो, और तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।